पुणे में एक ऐसा भावनात्मक मामला सामने आया है जिसमें एक युवक की 2 साल पहले मौत के बाद उसकी मां ने अपने एक रिश्तेदार को सैरोगेसी के लिए राजी किया। इसके बाद बेटे के जीवित रहते प्रिजर्व किया गया सीमन इस्तेमाल कर इस रिश्तेदार की कोख से 12 फरवरी को जुड़वा बच्चों को जन्म हुआ। इनमें से एक बेटा और एक बेटी है। पुणे निवासी 48 साल के राजश्री पाटिल के बेटे की 2 साल पहले जर्मनी में कैंसर से मौत हो गई थी। राजश्री पाटिल पेशे से टीचर है। उसका बेटा प्रथमेश पाटिल 2010 में जर्मनी में पढ़ाई करने गया था। कुछ समय बाद पता चला कि उसे ब्रेन कैंसर है जो 4th स्टेज में पहुंच चुका है। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया लेकिन आराम नहीं हुआ तो उसे वापस भारत ले जाने की सलाह दी गई। 2013 में प्रथमेश को भारत लाया गया। मुंबई में उसका इलाज चलता रहा। आखिरकार सितंबर 2016 में उसकी मौत हो गई। प्रथमेश का कोई भाई नहीं था और उसका परिवार चाहता था कि उनका वंश ना रुके। ऐसे में उसने जर्मनी के डॉक्टरों की सलाह पर वंश बढ़ाने के लिए अपना सीमन पहले ही प्रिजर्व करवा दिया था। 27 साल के प्रथमेश की शादी नहीं हुई थी। ऐसे में मां ने बेटे की मौत के बाद जर्मनी के सीमन बैंक में कॉन्टेक्ट किया जहां प्रथमेश के स्पर्म प्रिजर्व किए गए थे। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद प्रथमेश के सीमन को भारत लाया गया। इसके बाद राजश्री ने अपनी एक रिश्तेदार को सैरोगेसी के लिए राजी किया। राजश्री ने जुड़वा बच्चों का नाम प्रथमेश और प्रीशा रखा है। उनका कहना है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया।